हाय स्टूडेंट, आज हम सब लोग जो है जीव विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट हिंदी में इसको कहते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम सब लोग जो है ये पढ़ेंगे कि उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं, जो पुष्पीय पौधे होते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम सब लोग ये कहते हैं कि जो उच्च वर्गीय या पुष्पीय जो पौधे होते हैं, इनका जो जननांग होता है वो कौन होता है? पुष्प होता है। मतलब जो फ्लावर होती है, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है। ये किसके रूपांतरित होती है? मॉडिफाइड ऑफ सूट। मॉडिफाइड ऑफ सूट। अब हम सब लोग देखते हैं, पहले ये रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले जो है हम सब लोग ये देखते हैं कि फ्लावर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। पहले एक ड्रा फिगर बनाते हैं। ये सबसे बाहरी चक्र होता है, इसको हम सब लोग कहते हैं कैलिक्स। इस वाले चक्र को हम कहते हैं क्रोला। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहेंगे। और ये जो फोर्थ चक्र होता है, इसको हम सब लोग क्या कहते हैं? गायनोशियम। क्या कहेंगे? गायनोशियम। इस प्रकार जो पुष्प के चार फोर पार्ट्स होते हैं, नंबर एक कैलिक्स, नंबर दो करोला, नंबर तीन एंड्रोशियम, नंबर चार गायनोशियम। अब इनकी एक इकाई होती है, मतलब एक को हम सब लोग सेपल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेपल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। इसकी इकाई को हम सब लोग स्टेमन कहेंगे। और इसकी इकाई को जो है हम सब लोग कार्पल कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्पल कहते हैं। ये जो स्टेमन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो कार्पेल होता है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो हम सब लोग जो है पुष्प के पार्ट पढ़े। फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। इनकी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। क्रोला की इकाई को हम क्या कहते हैं? पेटल सूट कहते हैं। एंड्रोशियम की इकाई को स्टेमन कहते हैं। गायनोशियम की इकाई को कार्पल कहते हैं। कहने का मतलब है कि सेपल के समूह को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। पेटल के समूह को हम क्या कहेंगे? क्रोला। स्टेमन के समूह को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। कार्पल के समूह को क्या कहेंगे? गायनोशियम। ये जो स्टेमन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और जो कार्पल या गायनोशियम को हम सब लोग क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये हमारे जो है मेल ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ओके।